हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च किए थे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, और इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं, इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/m, देन शो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज 1/2 mn+1। ओके स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक्स में बहुत ही ज़्यादा होंगे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और ईजी भी। ऐसा नहीं कि टफ है, ईजी है, बट अगर हम इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो इस टाइप के बाकी भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप इन्हें ज़रूर देखिए और ध्यान से देखिएगा। अगर देखा जाए तो इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी, मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जनरल टर्म के बारे में और सम ऑफ ए पी के बारे में, जो सीक्वेंस होती है उसके सम के बारे में, nth टर्म के सम के बारे में, यानी sn के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप उन्हें देखिएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन के टॉपिक पर आता हूँ। इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/m, हमें गिवन है कि जो mth टर्म है ए पी का, जो mth टर्म है वो कितना है, n 1/m है, n है। mth टर्म मतलब mth टर्म इज इक्वल टू में 1/n दिया हुआ। अब mth टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। ओके, नेक्स्ट बोला गया हमसे एंड nth टर्म इज 1/m। nth टर्म का मतलब क्या है, बोला गया जो nth टर्म है वो कितना है, 1/m है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m हो गया। फिर क्या हुआ, देन शो दैट द सम ऑफ mn टर्म इज 1/2 mn+1, इसको आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपके पास ऐसी क्वेश्चंस बनती हैं, दो इक्वेशंस बनती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए, और निकालने के बाद आपको जो सेकेंड कंडीशन दी जाती है, थर्ड कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन ये दी गई है, इस कंडीशन में अगर आपको जो बोला वहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को वहाँ पुट करिए, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो जो भी मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन में दिया गया था कंडीशन, ये कंडीशन सिर्फ इसलिए दी गई जिससे आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकें। तो फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम पहले एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, कैसे करेंगे, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n गिवन है, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m गिवन है। तो मैंने क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा, जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, m माइनस 1 इंटू डी, माइनस का ये प्लस का तो माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m बचेगा। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो एम डी माइनस का डी माइनस का एन डी प्लस का डी, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का भी होगा, तो माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस डी होगी, इस इक्वल टू में यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास आएगा एम माइनस एन अपॉन में एन एम। ओके, अब यहाँ देखिए आप, तो आपका डी डी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से फिर से आपको क्या मिल रहा है, डी कॉमन। जब आप डी कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा एम माइनस एन इज इक्वल टू में एम माइनस एन अपॉन में एन एम बचेगा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये एम माइनस एन से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस मिला वो कितना मिला, 1/mn मिला। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 1/mn आ गया। अब अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया है तो आप फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इसकी वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट किया, सेकंड में आप जिसमें पुट करें आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो हम डी में जब इसे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट में पुट करने पर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस में हमें क्या पुट करना है, 1/mn। तो यहाँ जब मैं 1/mn पुट करूँगा इज इक्वल टू में हमारे पास है 1/n, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस एम बाई एम एन माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा हमारे पास। फिर इस m से ये m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। इस 1/n से ये 1/n भी कैंसिल आउट हो गया,
तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आई वो आई 1/mn i, मीन्स हमारे पास जितना कॉमन डिफरेंस है उतना ही उसका फर्स्ट टर्म भी आ गया। तो हमने पहले आपको बताया था कि आपको क्या निकालना, पहले फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि देन शो दैट द सम ऑफ mn टर्म इज 1/2 mn+1। हमें ये शो करना है जो mn टर्म का जो सम है वो 1/2 mn+1 होगा। तो हम पहले सम के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। तो जो सम का फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें जो सम का फॉर्मूला, n टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है, होता है n/2 2a+n-1 d। बट यहाँ पे हमसे n टर्म का सम नहीं बोला गया, हमसे यहाँ पे क्या बोला गया, mn टर्म का सम। आप शो करो कि जो mn टर्म का सम है वो 1/2 mn+1 है। तो mn टर्म का सम कैसे होगा, तो हम बोलेंगे Smn इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है mn/2 2a+mn-1 d। क्यों, क्योंकि जब n के प्लेस mn है तो n के प्लेस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, यह अब मैंने बताया यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो मैंने अभी फर्स्ट टर्म क्या निकाला था, a इज इक्वल टू निकाला था 1/mn, और d इज इक्वल टू क्या निकाला था, 1/mn निकाला था। मैं इनका क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा। ओके कैसे, देखिए तो एस एम एन इज इक्वल टू एम एन बाई टू, ऐसे रहने देते हैं, 2a, 2 इंटू a कितना है 1/mn+mn-1 d कितना है 1/mn हो गया। ओके अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं इसे कैलकुलेट कर दूंगा, मेरा आंसर प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखिए mn/2 2/mn+, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो mn/mn-1/mn। ओके फिर यहाँ देखिए एस एम एन इज इक्वल टू एम एन बाई टू टू डाइम एम एन, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 1/mn+1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एम एन बाई टू, यहाँ से एम एन एल सी एम, तो 2-1+1 मीन्स एम एन बाई टू 1/mn+1। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए, फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, एम एन एल सी एम लूँगा, जब एम एन एल सी एम लूँगा तो ऊपर बचेगा 1+mn, और यहाँ पर है एम एन बाई टू। ओके अब देखिए आपका कैंसिल हो गया, एम एन से एम एन कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल गया 1/2 mn+1। क्या एस एम एन इज इक्वल टू में 1/2 mn+1। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट लगा, बिल्कुल नहीं लगा होगा। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, वो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हैं कि नहीं। बट अगर आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो गारंटी के साथ आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल लिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन को कहती है क्वेश्चन में, शो दैट द सम ऑफ एम एन टर्म इज 1/2 mn+1। अगर हमें ये दिखाना है कि जो एम एन टर्म का सम है वो 1/2 mn+1 है, तो इसके लिए मुझे एम एन टर्म का, यानी एम एन टर्म के सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला लिखा, वहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल ही लिया, उसकी वैल्यू उठाओ, पुट करो, आप उसे कैलकुलेट करिए, आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ओके ओके तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, आपके बुक्स में भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ज़रूर करिए। एग्जाम में क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आने की 80% से 90% तक की पॉसिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। ओके इसलिए आप प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप ज़रूर अच्छा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, देन शो दैट m+nth टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो। बिल्कुल टू कॉपी क्वेश्चन है ये उसका, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है, बट हम इसे भी करते हैं, देखिए ये भी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है इफ m टाइम्स द mth टर्म गिवेन है, क्या वो m टाइम्स है किसका, mth टर्म का, इसका मतलब क्या है, m टाइम्स ऑफ mth term इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स nth term, इसका जो nth term है वो किसके इक्वल है, n टाइम्स ऑफ nth term के। ओके तो स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो AP के क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर इनकी थ्योरी को समझते हैं, मीन्स अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए हैं,
तो गारंटेड है कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। बट अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिस करिए, आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन उतने अच्छे से ही सॉल्व होंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास बोला एम टाइम्स द एम एथ रम ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एन टाइम्स द एन एथ रम, देन शो दैट एम प्लस एन एथ रम ऑफ एन ए पी इज जीरो। मीन्स हमें ये शो करना है कि जो एम प्लस एन एथ रम है वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके लेकिन अगर ये शो करना है तो इसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो पहले मुझे क्या करना होगा, इस कंडीशन से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एम एस टर्म का मतलब होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू में एन इंटू एन एस टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके फिर अब क्या करते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला किस टर्म के लिए, एन एस टर्म के लिए, ये किस टर्म के लिए, ये एम एस टर्म के लिए, ध्यान रखिए। अब क्या करना है, इस एम का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए एम प्लस का एम डी एम माइनस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस का एन डी एन माइनस वन। ओके अब देखिए यहाँ मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म है, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। कैसे, इसको ऐसे करिए ए एम, इसको इधर ट्रांसफर करिए माइनस का ए एन इक्वल टू, अब यहाँ पर इसके साथ में डी है और इसके साथ में भी डी है, मीन्स इसको भी आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो एन डी एन माइनस वन माइनस एम डी एम माइनस वन हो गया। ओके तो यहाँ पर हो गया, इसका अंदर जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास बचेगा एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी माइनस का एम स्क्वायर डी प्लस का एम डी, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या कॉमन है, यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म कॉमन है, अब फर्स्ट टर्म कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा एम माइनस एन। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपका क्या कॉमन है, इसको और इसको लीजिए साथ में, क्यों, क्योंकि अगर आप डी कॉमन लेंगे तो आपकी कंडीशन बनेगी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो आपको कुछ उससे हेल्प मिल सकती है। कैसे, देखिए हो गया एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, फिर से आप इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए डी, जब आप इसमें से डी कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा, माइनस का डी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा एन माइनस का एम। ओके कैसे, देखिए जब आप इसमें से डी कॉमन लेंगे तो माइनस भी आप साथ में कॉमन ले रहे हैं, जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस का एन डी, माइनस माइनस प्लस का एम डी, मीन्स हम सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास बचा ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्यों अभी बता रहा हूँ, माइनस से मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा एन माइनस का एम इज इक्वल टू में डी। बच्चों आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैं वही आइडेंटिटी यहाँ पर क्या करता हूँ, अप्लाई करूँगा, जब अप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ए ब्रैकेट में एन प्लस एम और ए ब्रैकेट में एन माइनस का एम मिलेगा, माइनस का डी एन माइनस एम। ओके अब बच्चों आप देखिए ध्यान से, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कॉमन मिल रहा है, एन माइनस एम और एन माइनस एम क्या है, कॉमन है, तो आप जब इसमें से डी भी कॉमन है तो आप इसमें से डी एन माइनस एम कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास अंदर बचेगा एन प्लस एम माइनस का वन। कैसे, देखिए इसमें से क्या बचा था हमारे पास, एन प्लस एम माइनस का डी एन माइनस एम कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा, माइनस का वन, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का ए एन माइनस का एम। अब देखिए आपका ये एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए मैंने बताया था आप क्या कर लीजिए इसमें से माइनस कॉमन, क्यों, क्योंकि जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा, एन माइनस एम और यहाँ पर एन माइनस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये बताइए कि आपको कैसे पता आपने माइनस कॉमन ले लिया, आप होता क्या है बच्चों कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें अपने माइंड को थोड़ा उस क्वेश्चन से एक कदम या दो कदम आगे चलाना होता है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा उससे आगे अगर सोचेंगे तभी हम क्वेश्चंस को सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं। बट अगर आप नहीं सोचते हैं तो आपकी ये फॉल्ट, आप सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तभी आप क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सकते हैं। ओके अब इसमें सोचना क्या था कि अगर मेरे पास यहाँ एम माइनस एन है, यहाँ पर एन माइनस एम है, यहाँ पर भी एन माइनस, मैंने दिमाग लगाया, क्यों, क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा तो एन माइनस एम मुझे कॉमन मिलेगा, जब एन माइनस एम कॉमन मिलेगा तो मेरे पास यहाँ पर एम माइनस एन है, तो इसके लिए मुझे इसे एन माइनस एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो मुझे एन माइनस एम मिल जाएगा और एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बट इसीलिए मैंने ये किया और आपको समझ में भी आया गया होगा तो मैंने ऐसा क्यों किया है। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आया माइनस ए इज इक्वल टू में डी टाइम्स ऑफ एन प्लस एम माइनस वन,
इस माइनस का अंदर उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास ए जो फर्स्ट टर्म आया माइनस का डी एन प्लस एम माइनस वन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि क्या करना, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो अब सुनिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है, बट यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि सर ने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म निकाला है, उसका भी रीज़न है, क्यों दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाला है तो कैसे, अब यहाँ सेकंड अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहे तो हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों अननोन है, इसलिए हम नहीं निकाल सकते। इसलिए अब हमें क्या करना होगा, कंडीशन निकालनी होगी। कैसे, देखिए हमसे बोला गया देन शो दैट एम प्लस एनथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ ज़ीरो। मतलब वो क्या कह रहा है, शो करना है कि जो टी एम प्लस एन है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। कैसे, टी एम प्लस एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपको पता है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, मुझे प्रूफ करना है, तो यहाँ पे ए है फर्स्ट टर्म, एम प्लस एन टर्म नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस वन इंटू डी, डी क्या कॉमन डिफरेंस है। अगर आप देखें आप ए क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा, ये होगा कि सर ये फर्स्ट टर्म तो उस एम एस टर्म के लिए था और ये आपने एम प्लस एन एस टर्म लिया है। बच्चों ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन जो आपके पास है, इस क्वेश्चन में एक ही सीक्वेंस ली गई है, एक ही सीक्वेंस की बात की जा रही है, उसी सीक्वेंस के एम टर्म्स की भी बात हो रही है, उसी सीक्वेंस के एम प्लस एन टर्म की बात हो रही है। जाहिर सी बात है अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है उसमें एम टर्म भी हैं और एन टर्म भी हैं तो दोनों का सम तो होगा ही होगा ना। इसलिए जो फर्स्ट टर्म एम एस टर्म का है वही फर्स्ट एन एस टर्म का है और वही फर्स्ट टर्म एम प्लस एन एस टर्म का भी होगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेते हैं और पुट करते हैं, तो माइनस का डी एन प्लस एम माइनस वन प्लस का डी एम प्लस एन माइनस वन इजिकल टू में ज़ीरो प्रूफ करना है। तो आप ध्यान से देखें, ये माइनस का टर्म ये प्लस का टर्म कैंसिल आउट और ज़ीरो इजिकल टू ज़ीरो प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो मज़ा आया आपको, वाकई में क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास बहुत नहीं था, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो कि आपको ध्यान रखनी थी। कहाँ पर ध्यान रखनी थी, इस पॉइंट पर ध्यान रखनी थी। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवाया कि जिससे आप सोच सको कि हम क्या करना होता है क्वेश्चन में। जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही सही तरीका और वो अच्छे से कर सकते हैं, बट जिन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, प्लीज़ अभी आपके पास एग्जाम के लिए टाइम है, आप मेहनत करिए, आप अच्छा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।